Hello everyone, welcome to my channel. If you are new, then do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you will be notified for my upcoming videos. As you all know that if you want to learn any language, you should have some basic knowledge of tenses. And we have three types of tenses: present, past, and future. And most of the sentences which we use in our daily routine belongs to present tense. So if you learn these three tenses, you will learn 50% of English grammar. No need to learn all the grammar rules. If you want to speak English, if you want to learn English, then you should have the knowledge of these tenses. So today in this video, I'll discuss with you about present tense. So without wasting any time, let's start today's video. In present tense, we have four types: present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So first we'll discuss about present indefinite. In this tense, we use first form of verb and SES. If sentence is singular, ek vachan, agar sentence ek vachan hai, then we'll use first form of verb plus SES. If sentence is plural, agar bahuvachan hai sentence, then we'll use only first form of verb. और ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरह आता है. फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खाती है, एंड में आ रहा है ती है, खाती है, वह खाना खाती है. दिस इज सिंगुलर सेंटेंस, एक वचन है. तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे. वह खाना खाती है. She eats food. खाना means, खाना खाना means eat. First form of verb. और इसके साथ हम लगाएंगे S. She eats food. वह स्कूल जाती है. लास्ट में आ रहा है ती है. It means this is present indefinite tense and this is singular. वह स्कूल जाती है. She goes to school. Go is first form of verb, जाना. And go के साथ हम लगाएंगे es. Eat के साथ हमने लगाया s and go के साथ लगाया es. And other example is, हम खाना खाते हैं. हम means plural, बहुवचन. तो इसमें only verb की first form use होगी. No s and es will be used. हम खाना खाते हैं. We eat food. So जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, इस तरह से आता है, that belongs to present indefinite. And some sentences are negative. Negative means not वाले. हम खाना नहीं खाते हैं. We do not eat food. We means हम, बहुवचन है, इसीलिए डू नॉट, डू लगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू. वह खाना नहीं खाती है. शी डज नॉट ईट फूड. शी एक वचन, तो इसमें लगा डू के साथ ई एस. शी डज नॉट ईट फूड. नेगेटिव प्रेजेंट में जो नेगेटिव टेंस है उसमें लगेगा डू नॉट एंड डज नॉट. एंड नाउ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, जिसमें पूछा जाता है क्या वह खाना खाती है. डज शी ईट फूड. इसमें डू और डज पहले लग जाता है. डू लगेगा प्लूरल के लिए और डज लगेगा सिंगुलर के लिए. क्या हम पढ़ते हैं, डू वी रीड. क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग. So this is present tense.
Next is present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस में लास्ट सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है. फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रही है, रही है, जो काम अभी हो रहा है. वह खाना खा रही है. हम खेल रहे हैं. तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस. और इसमें यूज होता है इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाएंगे. गो के साथ आई एन जी गोइंग, ईट के साथ आई एन जी ईटिंग. इन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वी वर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस ई एस फॉर सिंगुलर एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर प्लूरल. एंड नाउ इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस will use is am are plus first form of verb plus ing. For example, वह किताब पढ़ रही है. is used for singular, are used for plural. वह किताब पढ़ रही है. She is reading a book. हम किताब पढ़ रहे हैं. We are reading a book. अब इसमें है कि नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव टेंस. वह खाना नहीं खा रही है. शी इज नॉट ईटिंग फूड. हम नहीं पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट रीडिंग. और इसी में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, मींस क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वह पढ़ रही है? Is she reading a book? क्या वह किताब पढ़ रही है? Is she reading a book? इसमें is am are सेंटेंस के पहले आ जाता है. क्या वे खेल रहे हैं? Are they playing? क्या मैं पढ़ रहा हूं? Am I reading? I के साथ am यूज होता है. Am I reading? So these were present indefinite and present continuous tenses. Next is present perfect. Present perfect के sentence में लिया है, लिए हैं, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, इस तरह के words use होते हैं. For example, हम खाना खा चुके हैं. वह पढ़ चुकी है. मतलब जो काम हो गया है, उन सेंटेंस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स. और इसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. हैज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव यूज्ड फॉर प्लूरल. फॉर एग्जांपल, वह किताब पढ़ चुकी है. शी हैज रेड अ बुक. रीड रेड रेड थर्ड फॉर्म रेड एंड शी इज सिंगुलर सो हियर हैज इज यूज्ड. शी हैज रेड अ बुक. हम क्रिकेट खेल चुके हैं. वी हैव प्लेड अ क्रिकेट. प्लेड प्ले प्लेड प्लेड थर्ड फॉर्म प्लेड एंड वी इज प्लूरल सो हैव इज यूज्ड. वी हैव प्लेड अ क्रिकेट. अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से आएंगे? हमने खाना नहीं खाया है. वी हैव नॉट ईटन फूड. हैज नॉट हैव नॉट. हैज नॉट यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव नॉट यूज्ड फॉर प्लूरल. उसने गाना नहीं गाया है. शी हैज नॉट sung अ सॉन्ग. Sing, sing, sung. So these are negative sentences. और इसी में अगर interrogative आए, questions वाले, for example, क्या वह पढ़ चुकी है? Has she read? इसमें has, have पहले use हो जाएंगे. क्या हम खेल चुके हैं? Have we played? So these were present
perfect rules. And now, last part is present perfect continuous. In present perfect continuous, we use has been, have been, plus first form of verb plus ing, and here time is mentioned. For example, हम यहाँ दो सालों से रह रहे हैं. अगर exact time बताया है कि exact year बताया है, exact time या year आपको बताया है, then you will use since. अगर exact time नहीं पता, then you will use for. हम यहाँ दो सालों से रह रहे हैं. दो सालों से, साल मेंशन नहीं किया है कि हम 1999 से रह रहे हैं या 1989 से, साल मेंशन नहीं है. ओनली आपको ये बोला है कि हम यहाँ दो सालों से रह रहे हैं. सो हियर फोर विल बी यूज्ड. वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर टू इयर्स. वी इज प्लूरल, सो हैव बीन इज यूज्ड. एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी ऑल्सो यूज्ड. We have been living here for 2 years. अगर ऐसे बोला है कि हम यहाँ 1999 से रह रहे हैं, then you will use since. We have been living here since 1989. Other example, वो सुबह से पढ़ रही है. She has been reading since morning. Means time आपको exact बताया कि morning से पढ़ रही है. Since morning. और अगर बोला है कि वो 4 घंटे से पढ़ रही है, 4 घंटे से पढ़ रही है, exact time mention नहीं है कि morning है, evening है, कब का time है, 4 घंटे से पढ़ रही है, then you will use for. She has been reading for 4 hours. तो ये थे 4 प्रेजेंट टेंसेस. आई होप आपको ये इजीली समझ आ गए होंगे. एंड इफ यू वांट टू लर्न लैंग्वेज, देन यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ दीज ऑल 4 टेंसेस. फर्स्ट, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वी यूज हैज बीन, हैव बीन, plus first form of verb plus ing, and here time is mentioned. Singular sentence hai, then we'll use has been plus first form of verb and ing. If plural sentence, then we use have been plus first form of verb and ing. Aur agar exact time bataya gaya hai, exact year mention hai, then you will use since. अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, देन यू विल यूज फॉर. फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, सुबह से टाइम मेंशन है, सुबह से पढ़ रही है. शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वो 2 घंटे से पढ़ रही है. 2 घंटे से पढ़ रही है मतलब टाइम नहीं पता, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, कब के 2 घंटे से, वो नहीं पता. देन यू विल यूज फोर. वह 2 घंटे से पढ़ रही है. शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स. अदर एग्जाम्पल, हम यहाँ 5 सालों से रह रहे हैं. 5 सालों से रह रहे हैं, इसमें ईयर मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता. हम यहाँ 5 सालों से रह रहे हैं. We have been living here for 5 years. We have been living here for 5 years. हम यहाँ 1989 से रह रहे हैं. Exact time, exact year बताया है, 1989. So here since will be used. हम यहाँ 1989 से रह रहे हैं. We have been living here since 1989. So आई होप आपको सिंस एंड फोर का डिफरेंस समझ आ गया होगा. और ये थे 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट टेंस.
And in my next video, I'll tell you about past tense. In our daily routine, almost 70% of sentences are used in present tense. So this is very important. I hope आपको ये easily समझ आ गया होगा. If you have any query, then please comment below. See you soon in next video with other tense, which is past tense. Till then, take care.